प्रदेश भर में लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम का कड़ा एक्शन जारी है। एक के बाद एक मिल रही शिकायतों पर सीएम फ्लाइंग की टीम कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करते हुए शराब से भरे 3 गाड़ियों को पकड़ लिया है। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि बिना परमिट के शराब ठेकेदारों द्वारा शराब के ठेकों पर सप्लाई कर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। इसी सूचना पर आज टीम ने शराब से भरी हुई 3 गाड़ियों को पकड़ लिया है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। सीएम फ्लाइंग टीम के सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि बिना परमिट के शराब के ठेकों पर शराब सप्लाई की जा रही है। उसी सूचना पर मुखबिर के साथ आज छापेमारी कर 3 शराब से भरी गाड़ियों को पकड़ लिया गया है, जिनके पास कोई परमिट नहीं था। तीनों गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जानकारी के अनुसार ये शराब ममिदी जोड़िया की तरफ से आ रही थी और शराब को कैंप व बुढ़िया एरिया के ठेकों में सप्लाई किया जा बिना परमिट के शराब के ठेकों पर माल सप्लाई करता है, जिस बिना पर हमने मुखबर को साथ लेकर के कौन कौन सलपटित थे और जैसी मुनासिब होगी उनके खिलाफ कार्रवाई, आबकारी अधिकारी और लोकल पुलिस हमारे साथ। कहाँ से आ रही थी और कहाँ लेके जा रहे थे इसको? ये मिद्दी जोड़ियों नक्के से आ रही थी, साइड से आ रही थी और ये कुछ कैंप में और कुछ क्या नाम उसका बुढ़िया तेज अपना बुढ़िया एरिए में सप्लाई करने के लिए। मौके पर कोई भी दस्तावेज नहीं मिला है। ये लोग खुद को फायदा पहुंचा कर बिना परमिट के सरकार को चूना लगा रहे थे। अब जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। पकड़ी गई तीनों गाड़ियों से 702 पेटी बरामद हुई है, जिसमें 175 बियर, 2 ऑल सीजन और बाकी देशी शराब की पेटियां हैं।